हम जानना चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ में ऑडियंस को कुछ बताएं। आई नो आप इसिका मैम के मॉम डैड हैं, फिर भी उन लोगों को पता चलना चाहिए जो नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह का फेम फॉलोइंग मैम को लोग जानते हैं, शायद यू नो आप लोग कभी नहीं आए पर्दे पे या मीडिया के सामने। तो मैं वैसे रोज़ मीडिया के सामने होती हूँ, फिर वो अलग बात है। फिर भी क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर भारती दिनेश हूँ और इशिका की मॉम हूँ, इशिका की प्राउड मॉम हूँ। आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है, उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना, तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी। बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा, आई होप। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे, पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो गणपति जी की ही कृपा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के लिए? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा, मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ। इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है, और जब से वो बॉम्बे में आई है एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए, तो हमने उसको एक ही बात सिखाया है कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगोगे, वो देगा झोली भर के देगा। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा 5th ईयर है गणपति जी के साथ, एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बार ही उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, बजट को लेके, सीन्स को लेके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दिस जर्नी, बिकॉज़ मैंने मुझे याद है मैंने आपसे बात किया था, आप बहुत एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेके एंड बहुत पर्टिकुलर थे सीन्स को लेके, गानों को लेके, सो देयर इज अबाउट द होल जर्नी बिहाइंड इट। ये बहुत स्वीट मूवी है, हेलो वेरी स्वीट मूवी है, आप इसमें रोमांटिक मूवी है, नया हीरो है वो ड्रेसिंग हीरो है, और ये बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा हीरो है एक, और ये फिल्म में आप एक बार देखें जरूर, इसमें म्यूजिक बहुत प्यारा है, दादा का म्यूजिक है इसमें, क्या बोलते हैं ये अपना ऋतु जी का बहुत अच्छा काम है, अपना अनुस्मृति का बहुत अच्छा काम है, राजपाल जी ने बहुत अच्छा कॉमेडी की है, मतलब देखने लायक है। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे क्या चीज़ बनी है, और गोविंद नामदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और अपने अनूप जलोटा जी का एक एज ए सी एम, अनूप जलोटा जी जो कभी नहीं करते एज ए सी एम में है इस फिल्म में, तो बहुत ही प्यारी मूवी बनी है, आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। क्या बात है, अनूप जलोटा जी हैज अ सीनियर। Anyway, first of all, thank you all the guests who have come here. Thank you so much, Alpadi Di, and all the stars and casting crew and the technicians. Dhanyavaad, aap log aaye yahan, and the entire media and everybody, Parul. music to it's in our blood. Music to hamare blood mein hai. Music bina to Lahiri family does not know anything. पापा भाई ने बैकग्राउंड म्यूजिक किया है और गाने को पूरा अरेंजमेंट रीअरेंज किया है फ्रॉम अमेरिका, और मैंने यहाँ डबिंग वबिंग जैसे दीदी का डबिंग, देन शान जी का डबिंग, सना का पूरा प्रॉपरली एक मिक्सिंग मास्टरिंग गाना गवाना वो सब किया है, और थोड़ा बहुत ऑफकोर्स म्यूजिक भी हम लोग ने डाला है प्रॉपरली। तो डैडी से बढ़कर और क्या है, डैडी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, बट उनका आशीर्वाद है, शायद उनका वो आदेश है कि हम उनके म्यूजिक को एज अ प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है SRG Films,
तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद रहे स्वास्तिक रेमा और गोविंद फिल्म्स, एसआरजी फिल्म्स, और मुझे आशीर्वाद चाहिए, हमें सबको आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग हमारे साथ रहे आप, और रेगो को आशीर्वाद दीजिए। रेगो का फर्स्ट डेब्यू है, ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में हुआ है कि ग्रैंड फादर के ट्यून में फर्स्ट ग्रैंड सन ने प्लेबैक किया है, तो इट्स अ बिग न्यूज़ एंड वी आर ब्लेस्ड कि डैडी के फैमिली में, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ फादर इन द फैमिली, ग्रैंड फादर इन द फैमिली। एंड थैंक यू अलका दीदी फॉर कॉपरेशन एंड ऑलवेज, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मेरे को शब्द ही नहीं है क्योंकि वो हमारे फैमिली से भी बढ़कर है, वो ऑलवेज हमारे साथ है एंड शी इज अ फैमिली, यू नो, एंड माई डैडी इज फेवरेट। मेरे डैडी ऑलवेज उनको उनके असिस्टेंट ही बुलाते थे कि अलका तुम्हें जा गाई में, वो जो आप गाओगे, जो तुम गाओगे, बस तुमने जो गाया वो हो गया। तो दादा मतलब आई कैन टेल यू हाउ क्लोज शी इज टू द फैमिली, टू द लहरी फैमिली एंड टू माई डैड, सो शी इज ऑलवेज देयर विद अस। एंड आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, फर्स्ट वेंचर है हम लोग का एज अ प्रोड्यूसर, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, वी आर नॉट दैट रेडी फॉर इट, बट यू नो आप लोग की दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और लोगों को जरूर आशीर्वाद दीजिए कि वो अपना लेगेसी, दादू के लेगेसी को ले जाए, आशीर्वाद दे, अच्छे म्यूजिक करें, अच्छा गाना गाए। थैंक यू, बहुत खूब रीमा जी आपने कहा, मुझे लगता है मुझे और एक खुशी है आज कि हमारे साथ सना है, मोहम्मद अजीज जी की बेटी, मोहम्मद अजीज जी के साथ मैंने बहुत से गाने गाए हैं और बहुत हमने काम किया है, बहुत टाइम बिताया है साथ में, बहुत हंसी मजाक, अच्छा काम किया है बहुत। और आज मोहम्मद अजीज जी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटी है जो उनकी लेगेसी को आगे ले जा रही है, गाना गा रही है, और बहुत आशीर्वाद है बेटा, आगे खूब आगे जाओ और पापा का नाम रोशन करो। बहुत खूब। एंड रीमा जी, जैसे कि आपने कहा था कि आपको सबका आशीर्वाद चाहिए, आई थिंक पहला वेंचर अपना कमाल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल टू मॉम एंड डैड और दादू जिन्होंने मुझे चांस दिया था। और ये गाना जो है बहुत ही मास गाना है और बहुत ही धमाकेदार गाना है, लिरिक्स सिंपल है, ट्यून सिंपल है, लेकिन उनका रिदम, जो दादू ने जो रिदम बनाया है वो रिदम है और दम है, वो धमाकेदार रिदम है। और मैं दो लाइन पेश करना चाहता हूँ आप लोग के, बिल्कुल नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा। थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है, डेफिनेटली दिस इज द नेक्स्ट सिंगिंग सुपरस्टार वी आर गोइंग टू हैव, इन फैक्ट ऑलरेडी ही इज, बाय द वे रेगो जस्ट टर्न 14, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा ये हमें एंटरटेन करते हैं, आज हमारा फर्ज है टू गिव यू बैक, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर माय बैड वॉइस अलका जी के सामने गा रही है। ओके एंड ऑफ कोर्स बिफोर वी हैव द ओके हां एंड नाउ वी हैव, इट्स टाइम फॉर द स्टार्स यू नो हु आर राइट देयर विद अस, थैंक यू सो मच गोविंद जी को थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वैसे फैमिली जैसे ही रहा, क्योंकि इनके साथ रिश्ता मेरा फैमिली जैसा ही है। और मूवी की बात अगर हम करें तो बेसिकली इट्स अ लव ट्रायंगल, बट काफ़ी यूनिक तरीके के लव ट्रायंगल है ये, कि मैं सिचुएशन में फंस जाता हूँ, बायां मेरी बॉस होती हैं, वो मेरे को नौकरी देती हैं, यू नो, और जहाँ मैं रुकता हूँ वहीं पड़ोसन होती है, दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में फंसी हुई ये सिचुएशनल कॉमेडी आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, और काफ़ी अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, और आप लोग देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली कभी ऐसी सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में हुई है वैसे? काफी बार हुई है, बहुत ही बॉस और वो भी, तो एक फिल्म का डायलॉग हो जाएगा, बिकॉज़ आई थिंक ये जनता जो है हमारी वो सुनना चाहेगी। फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग मतलब देखो याद नहीं है, तो सेट पे कुछ मस्ती है, कुछ ऐसा किस्सा यार, बहुत मस्ती सुना दे हमें, मस्ती सुनाने की थोड़ी हो, मतलब कुछ शेयर कर दे हमारे साथ।
मस्ती करते हैं यहाँ पे किसी के साथ, वी डोंट माइंड। मस्ती तो हमारे डांडा जी करते हैं। साइलेंस। तो उनके साथ काफी मस्ती हुई। डांडा जी प्लीज आइए। डांडा जी क्या बात है, प्लीज प्लीज समझ में। जो फिल्म में रहे हो ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी जा रहे हैं सब मैरिड डूड्स। एक्सपीरियंस तो एक्सीलेंट रहा, न्यू कमर्स ओल्ड। राजन सिंह के साथ तो मुलाकात पता नहीं कितने साल पुरानी, बचपन से इकट्ठे हैं हम। बप्पीदा से मीटिंग मेरा ख्याल है तब से है जब से बप्पीदा बॉम्बे में आए थे। तो ऑल थ्रू आउट इट हैज बीन एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद न्यूकमर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्संस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज में बहुत दम है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। एंड ऑफ कोर्स मूविंग अहेड वी हैव द वेरी प्रीटी लेडी अनुस्मृति सरकार जो बहुत ही फिल्म्स में काम कर चुकी हैं। मौका देने के लिए मैं गोविंद सर और रीमा जी को दीदी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और माय डायरेक्टर ही बिलीव्ड इन मी और चर्मा जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। लगा ही नहीं मतलब इट्स नॉट लाइक दैट इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, बहुत वेल ट्रेंड होके आए हैं। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और स्टोरी इज़ सो नाइस। और रेगो ने डेब्यू गाना गाया है तो गाना बहुत अच्छा चल रहा है। और इतने अच्छे कलाकार हैं पूरी मूवी में तो सबके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि सारे गामा लोगों ने भी बहुत बहुत ही हिस्ट्री है इसके पीछे लाहिड़ी फैमिली के साथ। और उन्होंने फर्स्ट डेब्यू रेगो को बच्चा पार्टी से किया था, अभी डेब्यू भी वो सारेगामा लेबल के थ्रू में कर रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू सारेगामा फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड गिविंग मेकिंग आवर हिस्ट्री हैपन अगेन एंड अगेन। थैंक यू। थैंक्स टू सारेगामा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यार से मनाया जाता है, जैसे समझो ईद है, दिवाली है, वैसा ही गणेश चतुर्थी है। और सारे दोस्त अपने घर पे गणपति बिठाते हैं, हम लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फेस्टिवल। मतलब ये इतना ये कह रहे हैं धर्म तो नहीं, क्या कोई भी जात की भी बात हो, हर धर्म में लोग सामने हो रहे, खासकर इंडिया की बात करें कि क्या कहेंगे आप? यही तो हमारी खूबसूरती है ना कि हम यहाँ पे लोग वहाँ पे एक ही फेस्टिवल मना सकते हैं। हम यहाँ पे ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, वैसाखी मना सकते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, क्रिसमस है। सो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, अगर बता सकते हैं उस बारे में? अभी मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया है अमावस्या, जो सोनी लिव पे आने वाली है, उसमें मैं सरदार कॉप है वो किया हूँ और बहुत अच्छा रोल है, थ्रिलर है, तो उसकी इंतज़ार में हूँ। और दो तीन अभी और काम शुरू होने वाले हैं, बहुत काम है, सबके लिए काम है। ऑल एक्टर्स आर बिजी बिकॉज OTT, इतने सारे वेब सीरीज, इतने सारे पोर्टल्स, सो एवरीबॉडी इज बिजी एंड दैट्स वेरी चलेगा, दैट्स गोना गो फॉर श्योर। बट देन व्हाइल वी शूटिंग, तो आपके ज़हन में क्या था विद द स्टेप्स एंड द सिनेमाटोग्राफी एंड एवरीथिंग? थैंक यू। बेसिकली आई एम द असिस्टेंट कोरियोग्राफर। इस पूरे गाने के कोरियोग्राफर है लॉली सर, लॉलीपॉप, जो बहुत ही फेमस है एंड वी ऑल नो देम। एंड उनके साथ भी मुझे काम करने मज़ा आया। इस गाने में सबसे ज़्यादा इनपुट दिया है ऑफकोर्स रेगो ने, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब एक एक आर्टिस्ट हमें सपोर्ट करे एंड हमारे विजन को आगे बढ़ाए। सो थैंक यू सो मच रेगो फॉर सपोर्टिंग अस आल्सो। एंड यस ऑफकोर्स उनकी मॉम भी उनके साथ है और वो पूरे टाइम उनके साथ थी। हमें वो शूट करने इतना मज़ा आया,
वो शूट कभी शुरू हुआ और कभी खत्म हुआ वो पता ही नहीं चला, एंड वी वर टिल देन पूरा का पूरा हम लोग एनर्जाइज थे उसमें, पूरा एनर्जी था हमारे। नहीं और नेक्स्ट डे पेपर फाइनल एग्जाम भी था फर्स्ट। ओह यस यस यस, मैं ये भूल ही नहीं सकता। माय गॉड, और सबसे बड़ा तो ये था कि रेगो का 8th स्टैंडर्ड से 9th में जाने का जो फाइनल एग्जाम होता है वो पेपर मंडे से शुरू हो रहा था कंप्यूटर का, और उनके डैडी और मैं इतना बहस में आ गए, मैं बोला क्या कर रहे हो, फाइनल एग्जाम ही फेल हो जाएगा, पढ़ने तो गाना बाद में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर से हमने हमारे ऊपर नहीं नहीं सब कुछ रेडी है करना ही है करना ही करना ही। आप बताइए प्लीज रेगो ने स्कोर कितना किया प्लीज? बहुत अच्छा स्कोर किया रेगो, इज अ गुड गुड बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड इन पढ़ाई, आई मस्ट टेल यू, खाली म्यूजिक में नहीं, वेरी गुड इन पढ़ाई, एंड ही इज नोन एज अ रॉकस्टार ऑफ जमुना भाई, एंड द स्कूल एंड एवरीबॉडी इज वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट, एंड ही बहुत मेहनत करता है पढ़ाई और गाना एक साथ, इतने कम उम्र से उसने स्टार्ट किया है, एंड गॉड ब्लेस हिम गोविंद जी के जोरदार तालियां हो जाए। अरे इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, गणपति बापा का जो फेस्टिवल है वो हम सबके घर पर जाते हैं मिलने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू कम टू हर हाउस एंड गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बापा। और बाकी गणपति बप्पा अक्रॉस इंडिया अक्रॉस महाराष्ट्र मनाया जा रहा है, हाँ इस तरह का आप कहीं और भी गए हैं इसके बाद? जी हाँ, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे गया हूँ, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, और मेरे कुछ खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके घर पर गया हूँ मैं। सो यार इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, यही टाइम मिलता है हमें सबको मिलने का, रूबरू होने का एंड ब्लेसिंग्स लेने का साथ में। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड अब मैं जान पहचान कर ही रहा हूँ उनसे, तो हमें रीमा जी मैं चाहता हूँ कि आप गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाइए। या दिस इज़ व्हाट आई बीन हियरिंग फ्रॉम बैकड्रॉप, शी हैज़ गॉट एक्सेप्शनल यूनिक वॉइस, वेरी डिफरेंट वॉइस, वेरी डिफरेंट वॉइस सना, तो आई थिंक आई वुड लाइक रीमा जी टू सिंग विद मी। एग्जैक्टली माय पॉइंट रीमा जी, आई सी यू स्टार्ट, आई थिंक रीमा जी विल टेक इट, मुझे लिरिक्स का माइक माइक ये है, देखो रेवो बदल लो, ओके यस यू सिंग। Yes, रात खूबसूरत है, कह रही है ये तन्हाई, रात खूबसूरत है, कह रही है ये तन्हाई, आपकी जरूरत इसे आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, रात खूबसूरत है, कह रही है तन्हाई। मुझे बचपन से मैं एक तो मैं बहुत क्लोज रही हूँ बॉबी अंकल से और उनकी पूरी फैमिली से, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना और उनके लिए ये गाना गाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात रही है, एंड आई फील वेरी लकी। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। सना को तो मैंने जन्म से ही देखा है क्योंकि मोहम्मद अंकल तो हमारे फैमिली थे, इतने हिट्स दिए पापा के साथ, तो सना भी इसमें ही है, म्यूजिक में है, और डैडी को भी उसका गला बहुत अच्छा लगता है, टोन ऑफ सनास वॉइस, शी गॉट अ वेरी मॉडर्न टोन एंड अ वेरी डिफरेंट टोन एंड अ फ्रेश टोन, सो शी इज़ लाइक अ फैमिली and she's always a favorite for the ladies as usual. Thank you so much. Welcome, welcome. Thank you.